शाहिद अफरीदी ने किया तिरंगे का अपमान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी सुर्खियों में हैं। उन्होंने कतर में भारतीय नेशनल फ्लैग को अपनी जांघ पर रखकर ऑटोग्राफ साइन किया, जो तिरंगे का अपमान है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी उस वक्त विवादों में आ गए जब उन्होंने कतर में एक कथित भारतीय फैन की मांग पर तिरंगा पर ऑटोग्राफ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर जहां पाकिस्तान के लोग शाहिद अफरीदी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें हम्बल बता रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडियन फैंस गुस्से में हैं। नेशनल फ्लैग कोड के अनुसार भारतीय झंडे कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। अगर कोई फ्लैग पर कुछ लिखता है तो यह अपमान माना जाएगा। वीडियो में दिख रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की मांग पर अफरीदी पहले झंडा लेते हैं और फिर अपनी जांघ पर रखकर साइन करते हैं। यह भारतीय फैंस को पसंद नहीं आ रहा। कई लोगों ने तो ऑटोग्राफ लेने वाले फैन को भी लताड़ लगाई है। कई फैन ने तो उन्हें इस योग्य भी नहीं बताया है कि वह भारतीय झंडे को थाम सके। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट लाइव तक में भारत और उसके खिलाड़ियों के बारे में विवादित बयान देते रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर जब भी वह मुंह खोलते हैं तो बुरा ही बोलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व ओपनर गौतम गंभीर पर तो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा है, लेकिन शाहिद उन दम्भी क्रिकेटरों में शामिल है जिन्हें लगता है कि भारत में उनके चाहने वालों की बड़ी फौज खड़ी है। दरअसल शाहिद अफरीदी भारतीय रिटायर्ड प्लेयर्स के टूर्नामेंट लीजेंड्स लीग क्रिकेट मास्टर्स के 2023 सत्र में हिस्सा लेने के लिए कतर में हैं। वहां वह एशिया लायंस की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है जहां उसका मुकाबला वर्ल्ड जायंट से होना है।